हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड वाटर इक्विवेलेंट की। ओके, चलिए वन बाय वन डील करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हमको उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के सिंबल के थ्रू। ओके, एंड इसका फॉर्मूला होता है हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो चलिए इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हीट को जनरली कंसिडर किया जाता है एनर्जी, एंड एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू। डिस्टेंस जो है वो लेंथ में होता है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल अपॉन एरिया। तो एरिया का जो है डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, टाइम का होता है कैपिटल टी, एंड टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि टेम्परेचर का हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज के। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, L2 से L2 कैंसल, ओके यही होगा, L2 से L2 कैंसल, तो क्या बच जाएगा M, देन वॉट दैट इज L, क्योंकि एक L अभी भी बचा हुआ है, L, T पर माइनस टू था, यह T ऊपर आएगा तो T पर माइनस वन यानी कि T पर माइनस थ्री की पावर, एंड K ऊपर आएगा तो जाएगा K पर माइनस वन की पावर। यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विल बी M, L, T पर माइनस थ्री एंड K पर माइनस वन की पावर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो हीट का जो है जनरली हमने देखे हैं कि जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल में, डिस्टेंस वो हो जाएगा सिंपली मीटर में, लेंथ आएगा क्योंकि, अपॉन एरिया जो है उसका होता है स्क्वायर मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, एंड टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में, यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मीटर से एक मीटर हो जाएगा कैंसल, तो एसआई यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट की। तो वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ओके, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो चलिए इस फॉर्मूले के बेस पे निकालते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल एम, एंड स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। अगर आपको नहीं पता है कि स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, आप सिंपली स्टूडेंट सर्च करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक हीट पीएनटी कोचिंग क्लासेस, तो आपको हमारी वीडियो सबसे टॉप पे मिल जाएगी। ओके, तो ये हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। तो ओवरऑल वॉटर इक्विवेलेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो क्या हो जाएगा, मास को लिखते हैं हम जनरली किलोग्राम में, एंड स्पेसिफिक हीट का जो है एसआई यूनिट होती है वो होती है सिंपली जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके, मास क्या हो गया किलोग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये किलोग्राम पे वन की पावर एंड यहां माइनस वन यानी कि जीरो हो जाएगा, गया ये, तो जूल पर केल्विन। तो क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन, ये रॉन्ग है, जूल पर केल्विन विल बी द एसआई यूनिट ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।